परमेश्वर को धन्यवाद दे कि शुरू करते हैं आज के इस दिन को, क्योंकि इस दिन में बहुत कुछ हमारे लिए रखा है। बहुत दिनों से विश्वासी भाई लोग दुआ में, रात को दुआ में रह जाता है, 12 बजे से दुआ होता है। ये नहीं कि ये दुआ आज भी होंगे भाई बहनों, खुशखबरी ये है कि आपको शायद खुशखबरी मिल चुका है कि COVID-19 का वैक्सीन रशिया ने निकाल चुका है। और अब से, क्योंकि हमने कहा था कि हम लोग दुआ नहीं कर रहे थे, मगर हम दुआ करेंगे ताकि चारों तरफ से वैक्सीन निकले और ये बीमारी ख़त्म हो जाए। और खुदा उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह हम और आप दुआ कर रहे थे, परमेश्वर से दुआ कर रहे थे। और आज भी परमेश्वर आपको और हमें पुकारा है ताकि हम मिलके इस आराधना में, इस स्तुति में शामिल हो जाएं। और मैं चाहता है कि जब आप मेरे साथ शामिल हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे के कुछ कुछ जगह धन्यवाद देना की आवश्यकता है। और आज के विषय भी है जीसस क्राइस्ट। और ये सचमुच एक ऐसा इंसान, एक ऐसा खुदा जो हमारे साथ है। उस दिन मैं एक देख रहे थे, कुछ लोगों को सुन रहे थे, लोगों का प्रश्न को उत्तर दे रहे थे। और कुछ कुछ समय तक ये हो जाता है कि हम हैं क्या, हम हैं क्या चीज़ बगैर यीशु मसीह की। कहता मेरे बगैर तो कुछ नहीं कर सकता। और आज इसी मसीह के पास आप आए हैं, हम आए हैं। और जब हम मिलके इबादत करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, तो खुदा हमारी प्रार्थना सुन लेता है। और मैं सब समय यही कहता हूँ, हमें सिखा प्यार करना, हमें सिखा किस तरह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। भाई बहनों आइए मेरे साथ नई गीत मुझे प्यार करना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, वफा में मुझे जीना मरना सिखा दे, मसीहा मुझे प्यार करना सिखा दे। लोगों को अभी भी प्यार करना सीखना है, क्योंकि लोग अभी तक ठीक से प्यार करना जानता ही नहीं है, बल्कि प्यार का मतलब उन्हें आता ही नहीं है। और कभी कभी दुख होता है कि प्यार से जो दुनिया को खुदा ने रचा, उस दुनिया के जब हालत देखते हैं तो हालत उतनी बुरी नहीं है जितनी लोगों की हालत और नियत खराब हो चुकी है। कोरोना इतनी डरावनी चीज था ही नहीं जितनी डरावने इंसान के सोच, आचरण, व्यवहार। सचमुच इस दुनिया को खुदा ने रचा, जन्नत बनाया, और हम सब मिलके इसको नरक बना के छोड़ दिया। बड़े बड़े गुरु आते हैं, बड़े बड़े गुरु आते हैं, बड़े बड़े बाबाओं आते हैं। उस दिन एक गुरु ने एक बात कहा था, शायद मेरे सामने नहीं पड़े भारत में। उसने कहा बैठ के, विदेश में बैठ के, और ये भारत से गया हुआ गुरु बैठ बैठ के कह रहे थे कि पहले खुदा अपने नबियों को भेजा, अपने नबियों को भेजा, अपने लोगों को भेजा, उसके बाद अपने बेटे को भेजा, मगर खुदा स्वयं भारत में आए। वो ये बताना चाहता था कि भारत में सारे खुदा आए, नबियों को भेजा, विदेश में जाके कहता है और कहता है नबियों को भेजा, अपना बेटा को भी भेजा, मगर भारत में वो स्वयं आए और देखने के बाद हाथ में गांजा उठा लिया। भाई बहनों सवाल बहुत सारे होते हैं, जवाब भी है भाई बहनों, क्योंकि हुकूमत खुदा एक है। और भारत में तो कोई गुरु और बाबा के कम नहीं है, भरे पड़े हुए जेल तक भरे हैं।
कैद तक भरे हुए हैं। ये बाबा है और ये गुरु है। गुरु एक होते हैं भाई बहन जो अपने जान लुटा देते हैं। गुरु एक होते हैं जो सच्चे मार्ग में हमें चलाता है, और वो गुरु हमारे यीशु मसीह है। हम तो उनके खादिम हैं, चमचे हैं, चेले हैं। और आज आइए उसी खुदा प्राउड आई एम अ क्रिश्चियन। लोग ये सवाल उठाते हैं, ईसाई क्यों बन गए आप लोग? ईसाई बनने के लिए पैसा देते हैं क्योंकि उन्हें यही लगता है कि ऐसा आकर्षण क्या है। हाँ भाई, क्योंकि यहां खुदा के कलाम है, सत्य वचन है, जीवन है, इसीलिए आता। पैसा लेके कोई नहीं आता। मुझे एक इंसान को दिखा दीजिए जो पैसा लेने के लिए अपने ईमान बदला। यही भाई बहन, वो जानते नहीं है बोल के उसे लगता कि ये पैसा देते हैं, ये पैसा दे के कलाम नहीं, कलाम है खुदा की। और आइए उसी खुदा के चरणों में आते हैं। मसीह ने कहा वो तेरे बाप है। आइए प्रार्थना में शामिल हो जाए। ए मेरे बाप, तू जो आसमान में है, पवित्र 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 है तू, कुर्दूस कुर्दूस कुर्दूस। मेरे खुदावत, मेरे मालिक, तुझे धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हम तेरे औलाद हैं, आज हम तेरे चरणों में आए कि हर रोज रात को हम लोग रोते थे तेरे पास इस समस्या के लिए जो सारे संसार को हिला रखा। और मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तू अपने औलादों को बच्चे सुना, दुआ सुना, तूने जरिया मार्ग दिखा दिया। और आज तुझे हम धन्यवाद देते हैं कि आज इस सुंदर समय में जो हम बैठ के तुझे धन्यवाद दे पा रहे हैं, तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर पा रहे हैं। आज तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको एक जगह लाया, एक विश्वास में। इसी तरह इसी विश्वास में हम कायम रह जाए, मरते दम तक वफादारी ना छोड़े। हमें जीना सिखा, हमें प्यार करना सिखा मेरे खुदा। तू तो प्यार है, तेरे प्यार सलीब में देखा मेरे खुदा, कि तूने कितना हमसे प्यार करता। हम प्यार करना नहीं जानते, हमें प्यार करना सिखा, हमें कलाम दे, हमारे दिल को बदल दे, हमारी भाषा बदल दे, हमारी जुबान बदल दे, ताकि हम तेरे प्यार की नगमा, प्यार की गीत, प्यार की बोल बोल, ताकि लोग जाने कि हम तेरे हैं। स्तुति आराधना सब कुछ तेरे है, तेरे ही, तेरे ही। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। पिता, मेरी इस प्रार्थना को तू कबूल कर। जब परमेश्वर के पास आते हैं विश्वास के साथ, पुकारते हैं कि क्यों हमारी जीवित जिंदा खुदा मेरे साथ मिलकर शामिल हो जाए। मैं चाहता हूं कि स्तुति आराधना में शामिल हो जाए।
शमीम भाई के लिए जो हम लोग दुआ कर रहे थे, जिनके हालत बहुत खराब थी, वो भी बाहर आ गए। प्रभु ने उन्हें भी चंगाई देना शुरू की और वो चंगाई पा रहे हैं। और आज भी बाहर मैंने इस भाई को भी परमेश्वर के हाथ में रखते हैं। मेरे जिंदा जलाली खुदा सब कुछ कर सकते हैं, मगर आपको प्रार्थना में विश्वास करना है। कहते तेरे विश्वास तुझे चंगाई दे। आइए प्रार्थना करते हैं इस भाई के लिए। और अगर कोई और भी भाई है जिसे प्रार्थना की जरूरत है, प्लीज गो ऑन टाइपिंग। जिन्हें प्रार्थना की आवश्यकता है आप टाइप करते जाएं।
I'm just holding on. Amen. सर्वशक्ति मानीश्वर पवित्र पिता सेनाओं के राजा मेरे आज इस समय प्रभु रविदास को तेरे चरणों में रखते हैं। इनके परिवार की जरूरत है, इनके परिवार को आशीष दे, कृपा करो ना सेना, और इस बीमारी को तो नियंत्रण में ला इनके जीवन में, ताकि हमारे अंदर से खौफ डर निकल जाए, क्योंकि तूने कहा मैं तेरे साथ हूँ समय के अंत तक। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। तेरे शुक्रगुजार है कि तूने हम ना चीजों को चुन लिया यहाँ वहां शहर से, और तू उनसे दुआ कबूल करता है, इसीलिए तुझे धन्यवाद मेरे मालिक मेरे खुदा। इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं, हमें तुझे धन्यवाद देता हूँ, तू सुनता है उनका प्रार्थना। आज भी प्रभु हमारे मिलते हमारे मिलते, और जितने लोग कोविड में अस्पताल में भर्ती है, विशेष रूप से आईसीयू में जो लोग हैं, उन सब पर दया कर, उन सब पर कृपा कर, अपने आशीष के हाथ उन पर रख दे, ताकि तेरी दया तेरी कृपा वो पाए पाए तेरे अनुग्रह। दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है जो लोग, और जो प्रार्थना चाह रहे हैं, साक्षी बहुत सारे आ चुके हैं हमारे, मगर आज प्रार्थना उठा के रख रहे तेरे चरणों में कि प्रभु हरे की दुआ कबूल करे, हरे की प्रार्थना सुन और उत्तर दे। दयालु पिता आज इस समय इस पल पर तेरे हाथ में रखते हैं, तो हर एक पर दया कर, दुआ आ रहा है भाई बहन, आइए हम लोग दुआ में रहे, कुछ नाम आ रहे हैं दुआ के लिए। के लिए बेबी ने लिखा है प्रार्थना के लिए, रीता ने लिखा है नी प्रॉब्लम, अमिता फाइब्रॉइड प्रॉब्लम, सुबीर चौधरी को प्रभु के चरणों में देते हैं, अधीश घोष को देते हैं, अजय मैसी को देते हैं, जूलियस फिजिकल स्ट्रेंथ सबको प्रभु के हाथ में समर्पण करते हैं, एक एक करके सबको प्रभु के हाथ में समर्पण कर देते हैं कि प्रभु तू हर एक पर तू दया कर, तू हर एक पर कृपा कर। संजीव मुकुंद विक फाइब्रॉइड ऑफ अमिता, यस भाई सब प्रभु के चरणों में समर्पण करते हैं, मुकुंद भी प्रार्थना रखा है, प्रार्थना मांगा है। अधीश घोष, यस ऑल इन प्रेयर्स, ऑल इन प्रेयर्स, प्रभु इन सब को तेरे हाथों में देते हैं। बस हमारे पास सिर्फ एक नाम ही है, मेरे पास कुछ नहीं है, मगर तेरे नाम में सामर्थ है, ताकत है, तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में मुक्ति है। और आज हम वही प्रार्थना करते हैं कि हर एक का प्रार्थना तू सुन, हर एक की प्रार्थना के उत्तर दे। जलाली खुदा मेरा, तू मौत के मुंह से लोगों को निकाला है, तो दुख तकलीफ से तू लोगों को बाहर लाया है, और जब हम निराश हो जाते हैं तो वो आशा देने वाला खुदा तू होता है। और आज भी इसी तरह हमारे जीवन में अपने आशीष हाथ रख, ताकि हम हर पल तुझे धन्यवाद दे सके, तेरी आराधना कर सके, तेरी स्तुति गा सके। और यही प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, ये मेरे पिता इस जो स्वीकार